हूं उस्मान खान और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एवरेज एटॉमिक मासेस। तो एवरेज एटॉमिक मासेस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव देयर एवरेज एटॉमिक मासेस इन फ्रैक्शंस। तो बच्चों आप अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनके एटॉमिक जो मासेस होते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन है 1.0078, नियॉन 20.18। तो इनके जो एटॉमिक मासेस हैं ये फ्रैक्शंस में होते हैं, ये इधर तक एवरेज एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है व्हाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव देयर एवरेज एटॉमिक मासेस इन फ्रैक्शन, कि बहुत ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एवरेज एटॉमिक मासेस हैं वो फ्रैक्शंस में क्यों होते हैं। तो बच्चों इसकी दो रीजंस होती हैं, अगर हम देखें each element has possible number of isotopes और दूसरी reason है due to their natural abundance, mean के हर element के जो है वो मुमकिन isotopes होते हैं अपने, ठीक है, और इनकी natural abundance की वजह से जो अक्सर जो elements होते हैं एवरेज एटॉमिक मासेस जो है fractions में होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं example। जी बच्चों अब हम example देख लेते हैं, example से आपको clear हो जाएगा कि जो एवरेज एटॉमिक मासेस है वो कैसे find किया जाता है। तो a sample of neon is found to consist of neon 20, neon 21 and neon 22 in the percentage of 90.92%, 0.26% and 8.82% respectively, calculate the fractional atomic mass of neon। तो बच्चों average atomic जो mass है वो find करने के लिए हमारे पास जो है neon के 3 isotopes दिए गए हैं और साथ इनकी relative abundance दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जो हमारे पास जी तो हमारे पास फर्स्ट जो है neon का isotope 20 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यू से, तो वो क्या हमारे पास 90.92 प्लस इसके नाम नेक्स्ट 21 मल्टीप्लाई 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई 8.82, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 100। अब इस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई 19.92 हमारे पास आ जाएगा 18.4, ठीक है। इस तरह अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करें 0.26 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.46। इसी तरह अगर 22 को 8.82 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 194.04, ठीक है, ओवर 100। जैसे ही हम इन तीनों को जमा करके 100 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.179, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा राउंड अबाउट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 20.18, ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह एवरेज एटॉमिक मास में हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।